चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन इन कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप यानी सीपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीपी में बैलेंसिंग लाइन क्यों दिया जाता है, इसका मेन पर्पस क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, बैलेंसिंग लाइन का पोजीशन को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा ड्रॉइंग किया है। इस ड्रॉइंग की मदद से हम लोग देखेंगे कि बैलेंसिंग लाइन का पोजीशन कहां पे होता है और इसका मेन पर्पस क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम में हमारा यह जो दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, यह क्या है, हमारा एक कंडेंसर है और कंडेंसर के नीचे क्या है फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, यह है हमारा हॉट वेल। तो फ्रेंड्स, कंडेंसर के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूं, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सरफेस कंडेंसर के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारा टरबाइन का एग्जॉस्ट स्टीम है वह कहां पे आता है, कंडेंसर में आता है। और कंडेंसर में हम लोग क्या करते हैं, उस स्टीम को, एग्जॉस्ट स्टीम को कंडेंस करते हैं। और फ्रेंड्स, जो हमारा स्टीम कंडेंस होता है वह क्या होता है, कंडेंस होने के बाद हमारा जो कंडेंसेट है वो हॉटवेल में स्टोर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे हॉटवेल जो है उसमें हम लोग कंडेंसेट को स्टोर किए हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आपको यह दिख रहा है, यहां पे क्या है, हमारा कंडेंसेट है यानी वाटर अवेलेबल है। फ्रेंड्स, एग्जॉस्ट स्टीम के अंदर कुछ अमाउंट में नॉन कंडेंसिंग गैस भी प्रेजेंट रहता है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, जो हमारा कंडेंसेट है उसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा होने से वो क्या होगा, हॉटवेल में सिंक हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, जो नॉन कंडेंसिंग गैस है उसका क्या होगा, डेंसिटी कम होगा, तो वह क्या होगा फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, नॉन कंडेंसिंग गैस जो है हमारा कंडेंसर के टॉप सरफेस में क्या होगा, एक्युमुलेट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस नॉन कंडेंसिंग गैस को रिमूव नहीं करेंगे तो यहां पे क्या होगा, एक ऐसा होगा कि नॉन कंडेंसिंग गैस का एक्युमुलेशन इंक्रीज होते रहेगा। और फ्रेंड्स, यहां पे एक प्रेशर, जो नॉन कंडेंसिंग गैस की वजह से यहां पे एक प्रेशराइज होगा। तो फ्रेंड्स, यह नॉन कंडेंसिंग गैस क्या करेगा, इस पोर्शन में पूरा प्रेशर करेगा, यानी जहां से एग्जॉस्ट आ रहा था स्टीम उस पोर्शन को क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज करेगा। तो जो हमारा स्टीम जो है एक्सपेंड होने के बाद कंडेंसर में आ रहा था उसको आने नहीं देगा, उसको अपोज करेगा, क्योंकि यहां पे एक नॉन कंडेंसिंग गैस का एक प्रेशर यहां पे प्रेजेंट है। यहां पे जो नॉन कंडेंसिंग गैस है उसको रिमूव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके वजह से जो हमारा स्टीम एक्सपेंड होने के बाद इजीली हमारा कंडेंसर में आए, ताकि हम लोग उसको दोबारा से कंडेंस करके रीयूज कर पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमको नॉन कंडेंसिंग गैस रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई इजेक्टर सिस्टम का यूज करते हैं या कोई वैक्यूम पंप का यूज करते हैं, जिसके वजह से हम लोग यहां का नॉन कंडेंसिंग गैस को रिमूव कर पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इजेक्टर क्या होता है उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं, और वैक्यूम पंप कैसे वर्क करता है उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड किया हूं। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, यहां पे इजेक्टर में हम लोग डिस्कस किए थे कि देखिए फ्रेंड्स, हमारा इजेक्टर का कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, यहां से हम लोग स्टीम देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक हाई वेलोसिटी से स्टीम यहां से पास करवाते हैं, यह क्या होता है, नोजल। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारा स्टीम यहां से निकलता है फ्रेंड्स, जैसे स्टीम हमारा इस नोजल से निकलेगा, तो फ्रेंड्स यह जो स्टीम लेते हैं वो हम लोग पीआरडीए से एक डिजायर्ड प्रेशर और टेम्परेचर पे लेते हैं, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारा स्टीम जो है इस नोजल से निकलेगा तो क्या होगा, एक हायर वेलोसिटी से निकलेगा, तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहां से जो भी नॉन कंडेंसिंग गैस है वो क्या करेगा, इसके अंदर सक कर लेगा। तो फ्रेंड्स, नॉन कंडेंसिंग गैस प्लस स्टीम हमारा इस नोजल से निकल के कहां पे आता है, एक इजेक्टर कंडेंसर में आता है, जहां पे हम लोग उसको कंडेंस करते हैं, यानी जो स्टीम है उसको हम लोग कंडेंस करने के लिए एक इजेक्टर कंडेंसर यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, अभी हम लोग आ जाते हैं यहां। फ्रेंड्स, इस हॉटवेल के नीचे देखिए आपको यहां पे एक पंप दिख रहा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सीईपी यानी कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। तो फ्रेंड्स, इस पंप का क्या पर्पस है, इस कंडेंसेट को एक्सट्रैक्ट करके पंप कर देना। तो फ्रेंड्स, कहां पंप करेगा, इसके लिए भी मैं अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बात किए थे, तो हम लोग डिस्कस किए थे कि जब हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप जब चालू होता है तो इसके आई ऑफ इंपेलर के पास क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, यानी प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक होता है, जिसके वजह से हमारा जो वाटर है इसके आई ऑफ इंपेलर के पास सक्शन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कंडेंसर के अंदर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से नॉन कंडेंसिंग गैस को रिमूव कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, जिसके वजह से यहां पे नॉन कंडेंसिंग गैस ऊपर की तरफ निकलेगा। तो फ्रेंड्स, इस फोर्स की वजह से जो हमारा वाटर है यह क्या करेगा, यह भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी इसके वाटर के टॉप सरफेस पे भी एक क्या होगा फ्रेंड्स, एक फोर्स लगेगा, जिसके वजह से यह ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगा। इस पंप के आई ऑफ इंपेलर के पास जो हमारा सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है वह इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि इस फोर्स के अगेंस्ट इसको खींच पाए, क्योंकि फ्रेंड्स यह जो फोर्स है ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा और यह जो है नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स, यह जो फोर्स है इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि इसके अगेंस्ट में इसको खींच पाए, तब जाके हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यही समझने वाली बात है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे क्या है, हमारा
फोर्स लग रहा है जिसके वजह से हमारा वाटर ऊपर की तरफ उठने की कोशिश कर रहा है, तब जाके हम लोग क्या करते हैं इसके मतलब पंप के सक्शन के पास एक रिड्यूसर लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रिड्यूसर लगाते हैं तो रिड्यूसर भी हमारा दो टाइप का होता है फ्रेंड्स, एक होता है हमारा इसेंट्रिक होता है, एक होता है को इसेंट्रिक। तो फ्रेंड्स यहां पे जो हम लोग लगाते हैं वो इसेंट्रिक लगाते हैं। देखिए हमारा रिड्यूसर को मैं एनलार्ज करके बनाता हूं, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा कुछ इस टाइप का रहेगा, तो इसेंट्रिक रिड्यूसर कुछ हमारा इस टाइप का अपीयर होता है फ्रेंड्स। देखिए यहां पे इस टाइप का कुछ हमारा इसेंट्रिक रिड्यूसर होता है। और फ्रेंड्स यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसके पोर्शन पे जहां से हमारा बेंड हो रहा है यहां पे क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन को कनेक्ट कर देंगे जिसको हम लोग वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन बोलते हैं। तो यहां पे क्यों कनेक्ट कर रहे हैं इसको भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसको लगाने का मेन पर्पस क्या है, इस लाइन को लगाने का मेन पर्पस क्या है उसको समझिए। इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, देखिए कंडेंसर के टॉप में क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा उसको समझिए। तो देखिए फ्रेंड्स जब हमारा यह लाइन नहीं था तो क्या कर रहा था, यहां पर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा था जिसके वजह से वाटर हमारा अपवर्ड उठने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे हम लोग यहां पर इस लाइन को जोड़ देंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पर भी हमारा एक फोर्स लगेगा इस सेंटर इस होल के पास, यानी इस एरिया में पूरा एक फोर्स सेम अमाउंट में फोर्स लगेगा। जैसे ये ऊपर की तरफ खींच रहा था तो यहां से भी एक अपवर्ड मोशन लगाएगा, अपवर्ड फोर्स लगाएगा, जिसके वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए यह जो लाइन है हमारा कहां से कनेक्ट है, सक्शन से। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर भी हमारा क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, जो यह फोर्स है यह क्या होगा फ्रेंड्स हमारा इस टाइप का एक फोर्स लगाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स एक यहां पर फोर्स है हमारा एफ और यहां पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है एफ। तो फ्रेंड्स यह जो फोर्स है दोनों क्या है, इक्वल है। इस वाटर सरफेस के ऊपर जो हमारा फोर्स लग रहा था अपवर्ड फोर्स लग रहा था, और फ्रेंड्स इस लाइन को जोड़ने की वजह से जो हमारा डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, यह दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। तो फ्रेंड्स इक्वल होने की वजह से यहां पे क्या है फ्रेंड्स, हमारा वैक्यूम मेंटेन होता है। तो यहां पे भी क्या होगा, इक्वल फोर्स लग रहा है, तो यह भी क्या है हमारा वैक्यूम है। इसलिए फ्रेंड्स इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम बैलेंसिंग, क्योंकि वैक्यूम को बैलेंस कर दिया, यहां पर फोर्स बैलेंस कर दिया, तो यह क्या लाइन होता है फ्रेंड्स, वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन या इक्विलाइजिंग लाइन भी इसको बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर होता क्या है, जब इस फोर्स को हम लोग बैलेंस कर दिए तो इस वाटर के ऊपर क्या होगा, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है यहां पे अभी। तो फ्रेंड्स इस वाटर का क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा होता है और ड्यू टू ग्रेविटी यह क्या करेगा, जो वाटर है फ्रेंड्स बॉटम में सिंक होने की कोशिश करेगा। तो देखिए यह सक्शन लाइन है फ्रेंड्स, यहां तक आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारा पंप जब चालू होगा तो हम लोग जानते हैं कि आई ऑफ इंपेलर के पास क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके वजह से हमारा पानी जो है आई ऑफ इंपेलर के पास जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स एक चीज हम लोग को यह रिड्यूसर जो है इसेंट्रिक रिड्यूसर जो लगाते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है, यानी वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन का और भी कुछ काम है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस इजेक्टर से क्या है, जो हमारा इजेक्टर का स्टीम है प्लस नॉन कंडेंसिंग गैस है वो कहां आता है फ्रेंड्स, इजेक्टर कंडेंसर में आता है। और फ्रेंड्स यह जो स्टीम है उसको हम लोग कंडेंस करके कहां पे देते हैं फ्रेंड्स, फिर से ले जाके हम लोग हॉटवेल में दे देते हैं, ठीक है, यह हॉटवेल में जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पे देखिए हमारा वेंट है जिसके वजह से जो नॉन कंडेंसिंग गैस है वो रिमूव हो जाता है, यहां से वेंट आउट होता है। लेकिन फ्रेंड्स कुछ अमाउंट में नॉन कंडेंसिंग गैस फिर से हमारा यहां पे रिसाइकल होकर हमारा हॉटवेल में आ जाता है इस कंडेंसेट के साथ साथ, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स जब यह यहां पे आ जाएगा तो इस वाटर के अंदर जो हमारा कंडेंसेट है इसके अंदर हमारा नॉन कंडेंसिंग गैस भी प्रेजेंट होगा। अगर फ्रेंड्स यह नॉन कंडेंसिंग गैस हमारा पंप के पास जाए तो क्या करेगा, एयर लॉक कर देगा, कैविटेशन कर देगा, जो कि कैविटेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक पंप का डेथ अगर होता है तो ओनली बाई हमारा कैविटेशन होता है। कैविटेशन के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड्स यहां पे कैविटेशन से अवॉइड करने के लिए और नॉन कंडेंसिंग गैस को रिमूव करने के लिए हम लोग इस टाइप का कुछ कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स यह जो वाटर है मान लीजिए हमारा यहां पे वाटर अवेलेबल है, ठीक है फ्रेंड्स, हमारा इस रिड्यूसर के पास वाटर अवेलेबल होगा। तो फ्रेंड्स जो भी नॉन कंडेंसिंग गैस होगा तो गैस का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है वाटर के अपेक्षा। तो हमारा जो वाटर का जो कंडेंसिंग गैस है वो हमारा टॉप पोर्शन में रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से क्या होगा, यहां पे देखिए हमारा जो वाटर है फ्रेंड्स इस वेलोसिटी से जा रहा है तो हमारा इसका गैस का डेंसिटी क्या होता है, कम होने की वजह से अपवर्ड रहेगा। तो फ्रेंड्स यह क्या करेगा, यहां पे यह रिड्यूसर है इस टाइप का है फ्रेंड्स, तो यहां पे स्ट्राइक करेगा और यहां से क्या करेगा फ्रेंड्स हमारा रिमूव होगा। यानी फ्रेंड्स यहां पे जो भी नॉन कंडेंसिंग गैस है इसको इसेंट्रिक लगाने की वजह से यहां पे ट्रैप हो जाता है और फिर हम लोग यहां से इस फोर्स से हम लोग उसको रिलीज आउट कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन का केवल यहां पर नॉन कंडेंसिंग गैस या कहीं से एयर इंग्रेस करे उसको भी हम लोग क्या करते हैं यहां से ट्रैप कर देते हैं, ताकि हमारा जो पंप के अंदर है फ्रेंड्स वह क्या है, नॉन कंडेंसिंग गैस या कोई भी एयर इंग्रेस
ना हो जिसके वजह से हमारा पंप के एफिशिएंसी पे इफेक्ट करे, कैविटेशन हो। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग इस बैलेंसिंग लाइन को लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस पोर्शन में यानी यहां के बाद इस पोर्शन में जो वाटर होगा वो हमारा नॉन कंडेंसिंग गैस फ्री होगा, यानी कोई भी इसके अंदर अगर एयर इंग्रेस था वो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी प्योर यहाँ पे वाटर। यानी फ्रेंड्स, इस पोर्शन में जो हमारा सक्शन होगा प्योर वाटर का सक्शन होगा। तो जैसे हम लोग पंप को चालू करते हैं तो आई ऑफ इंपेलर के पास क्या होता है फ्रेंड्स, लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो वह प्रेशर इतना सफिशियंट होता है कि इस पानी को इजिली क्या होगा, सक कर लेगा। तो फ्रेंड्स, यहां पे आई ऑफ इंपेलर की वजह से यहां पे सक्शन जब होगा तो हमारा क्या होगा, डिस्चार्ज भी होगा। तो फ्रेंड्स, यह क्या हमारा डिस्चार्ज लाइन है। और फ्रेंड्स, डिस्चार्ज लाइन में देखिए एक यहां पे और लाइन जोड़ देते हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं हॉटवेल मेकअप लाइन। तो फ्रेंड्स, इस लाइन को हम लोग हॉटवेल में कनेक्ट कर देते हैं जिसके वजह से हमारा हॉटवेल का जो लेवल है वो मेंटेन रहे। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से जो हमारा सीपी का जो वाटर है वो डिलीवर होकर डिस्चार्ज होकर फ्रेंड्स जाता है जीवीसी यानी ग्लैंड वेंट कंडेंसर। यानी फ्रेंड्स, जो ग्लैंड सीलिंग देते हैं उसका स्टीम को हम लोग यहां पे कंडेंस करते हैं। तो यहां पे जो वाटर, यहां पे कुछ कोल्ड वाटर रहेगा, यहां पे जो सीपी का वाटर है थोड़ा सा हीट गेन करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद जो हमारा यह वाटर सीपी का वाटर कहां जाता है, हमारा इजेक्टर कंडेंसर में। तो यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारा स्टीम प्लस नॉन कंडेंसिंग गैस हमारा इजेक्टर में आ रहा था उसको कंडेंस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहां पे भी हमारा जो यह सीपी का वाटर है कुछ सेंसिबल हीट गेन करेगा और गेन करके हम लोग इस वाटर को कहां डिलीवर कर देते हैं फ्रेंड्स, डिएरेटर में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, यह हुआ हमारा सीपी का सर्कुलेशन, यह हुआ हमारा ऑल अबाउट वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन के बारे में। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉपअप डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।